मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर ली। पायल से पूछ के की थी दूसरी शादी मैंने। उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनो। सिचुएशन में डाल दिया कि बस मरना है तुम्हें। पायल ने भी 6 दिन में शादी करी और मैंने भी 6 दिन में शादी करी। राहुल जिसे शादी किया पायल ने। What? कैसे हो गाइस? सिंगल, उदास, डिप्रेस्ड, बेरोजगार, एग्जाम्स की प्रिपरेशन से थके हुए, आओ तुम्हारी दुविधा बढ़ाई जाए। मीट अरमान मलिक जिसकी 2-2 बीवियां हैं। जैसे मोहरा में सुनील शेट्टी का बेटा बोलता है ना, दो दो बाप। ऐसे इसकी 2-2 बीवियां, दोनों की दोनों गर्भवती है, प्रेग्नेंट। और सोचो दोनों ने जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया। तो जिन लोगों को इन तीनों की कहानी नहीं पता, मैं बताती हूँ। ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है। अरमान मलिक जिनकी 2-2 बीवियां हैं। पहली बीवी है पायल मलिक जो कि एक बैंक में काम करती थी। अरमानवा किसी काम से बैंक में गया, नंबर्स एक्सचेंज हुए और मिलने के ठीक 7 दिन बाद मोहतरमा अपने घर से फरार और भाग के अरमान की बाहों में आ गई, सिर्फ 7 दिन में। और दोनों ने मिलके फिर कोर्ट मैरिज कर, सोशल मीडिया पे साथ मिलकर वीडियोस बनाए, खूब मेहनत करी और एक घर खरीदा साथ में। लेकिन घर से भागी 7 दिन में थी। अच्छा गाइस, फिर हुई बच्चे की एंट्री। एक मिसकैरेज के बाद इनका बेटा जो अभी इनके साथ रहता है वो पैदा हुआ। बेटे का मनाया बर्थडे जिसमें बुलाया गया कृतिका। कृतिका भी पायल से किसी म्यूचुअल फ्रेंड के बर्थडे पे मिली थी। उनके एक बार में इतनी अच्छी बात हो गई थी कि नंबर्स एक्सचेंज हो गए और अपने बेटे के बर्थडे पे कृतिका को बुला लिया, अपनी सौतन अपने हाथों बेल लिया। कृतिका ले रही थी सेल्फी, अरमानवा छछड़ आया, बोला की सेल्फी क्यों ले रही हो, मैं तुम्हारा अपने फोन से फोटो ले देता हूं। उसका फोटो लिया। फिर कृतिका घर गई तो बोली कि पायल मुझे तो वो फोटोज चाहिए। पायल बोली कि देख मेरे पास तो वो फोटोज नहीं है। इन्होंने बोला कि वो फोटोज तो हमारे पति देव के फोन में है, आप ये लो नंबर और उनसे मांग लो फोटोज। अब इसके बाद भी जब पायल की दरिया दिली खत्म नहीं होती है तो कृतिका जाती है देहरादून ट्रिप पे जो कि कैंसिल हो जाता है। तो वो सामान लेके घर से निकल चुकी होती है। तो अब जब ट्रिप कैंसिल हो गया तो गेस करो उसको कहाँ जाना चाहिए, अपने घर। लेकिन गेस करो वो जाती कहाँ है, पायल के घर। क्योंकि आमंत्रण भी तो पायल जी ने दिया उनको। फिर कृतिका 7 दिन के लिए पायल के घर रहती है। पायल और उसके होने वाले पति के साथ इसी बीच में उनका बॉन्ड इतना अच्छा हो जाता है ना, वो कौन सा टच हो जाता है, बहुत अच्छा फैमिली टच हो गया था। हाँ फैमिली टच, ये कौन सा टच है भाई जो इतना जल्दी 7 दिन में हो रहा है। हमने तो फ्रेंडशिप में भी इतना टाइम, प्यार, हार्डवर्क डाला, फिर भी हमें वो टच नहीं मिला। ऊपर से ऐसा टच मिला कि आप फ्रेंडशिप करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। और हम लोग को 7 दिन में फैमिली टच हो रहा है, ठीक है समझिए। अरमानवा कृतिका से पूछता है कि हमसे ब्याह करो। कृतिका लपक के हाँ बोल देती है। पायल को बिना बताए जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और शादी करने के बाद फोटो भेजते हैं पायल को कि ये लो हमने तो शादी कर ली, सरप्राइज। और सोचो पायल का रिएक्शन क्या था। पायल ने बोला कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पायल और ये गोलू अच्छे से गले वाले मिली, दूसरी शादी कर ली। कोई बात नहीं, आओ गले लगो मेरे, आओ। यहाँ पे कुछ लिखा है क्या अरमान चुतिया, कुछ भी भाई साले ने पॉलीगामी प्रैक्टिस कर दी। कोई बात नहीं, रिएक्शन कोई बात नहीं, कुछ शर्म आता है। और फिर इनके घर वाले आते हैं मेरे घर पे कि भैया चलो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, XYZ जो भी था। बहुत कलेश हुए, इनके घर वाले आए, इनके घर वाले आए, दोनों को लेके चले गए। कलेश नहीं बे, उसको समझाना बोलते हैं। जब बड़े आए तो उन्होंने समझाया कि देखो ये जो तू कर रहा है ना साले ये गलत है। तो फिर दोनों मेरे पास वापस आ गए। तो देखो 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 कैसे कैसे गर्व से कह रहा है, हंस के दोनों मेरे पास वापस आ गए। वापस ही आना था बे, और कोई रास्ता ही नहीं था। दोनों 7-7 दिन में अपना घर छोड़ के तेरे पास भाग के आए और कहाँ जाएंगी। और पायल ने तो भाई इस रिश्ते में मेहनत, पैसा सब झोंका था, घर बनाया था तेरे साथ मिलकर, उसको तो वापस आना ही। दोनों घर पे रहते भी तो किस मुँह से मच्छर की जाट है। पायल का तो बेटा भी हो गया था तेरे साथ। मेरे को पता है बहुत लोग ऑफेंड होंगे मेरा ये बात सुन के, लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा टफ होता है। अगर कोई भी डाइवोर्स वगैरह हो जाए तो उनको ही ज्यादा नीचे देखा जाता है। हम तो बहुत पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं, राजाओं की 2-2 रानियां हैं, आदमियों की 2-2 शादियां हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ उतना क्वेश्चन नहीं करता। होते हैं क्वेश्चंस पर ज्यादा नहीं होता है, पर औरतों का बहुत। पायल को तो वापस आना ही था ना बे चूतिए, उसका बेटा है तेरे साथ। और दूसरी रह गई कृतिका, तो उसके बारे में भी मैं क्या ही बोलूँ। ये वही टाइप की लड़की है जो आजकल के लड़कों को पसंद आती है, एक ऐसी लड़की जिसको पता है कि सामने वाला चूतिया शादीशुदा है, उसका एक बेटा है, उसकी पत्नी इसकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। अगर वैसे आदमी से ये शादी कर लेती तो इसने क्या देख के शादी किया वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। इसका कैरेक्टर क्या है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। एंड व्हाट अ स्टोरी मैन, व्हाट अ स्टोरी। बॉलीवुड सीखो बे कुछ इनसे। नहीं ये भप किसी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है इनसे। आई एम सॉरी आई टेक दैट स्टेटमेंट बैक। तो इनके चुतियापे पे व्यूज जाते हैं क्रोर्स में और इनकी ऑडियंस, मेरे को लगा शायद ऐसे ही डेली सोप के तरह देख, लेकिन भाई इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। फोटोज में जो अरमान ने पोस्ट करके बताया कि इसकी दोनों बीवियां गर्भवती हैं और उसके नीचे के कमेंट्स देखो, आपको लव नहीं करते आप, ऑलवेज ज्यादा पिक्स कृतिका के साथ ही रखते हो, पायल साथ सिर्फ एक ही पिक हो। वो दोनों से लव करता है, ऐसे ही नहीं दोनों को प्रेम कर दिया है, वो भी एक ही टाइम पर। इतना बड़ा काम आपके हॉबी से भी नहीं होगा, आप एक ही कर लो वही बहुत। ये कौन है भैया? अरमान रियल आईडी से होते हैं। मतलब तुम एक बार सोचो, यहाँ पे एक पति और एक बच्चा होने के लिए कोसा जा रहा है, क्या आपकी हॉबी से तो वो भी नहीं होगा? साले तो ये गलत एग्जांपल दे रहा है तू। ये तीनों सच में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यार लोगों को, एक ही कर लो वही बहुत। अरे माधर जात, मैं साला अविवाहित बाज मर जाऊं। पर ऐसे धोखेबाज और दोगले किस्म के लोगों को तो मुंह तक बात तक ना करूं बे इन लोग से। आए बड़े कोसने, देखो क्यूटीज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, पॉलीगैमी इज रॉन्ग, चीटिंग इज रॉन्ग, दीज थिंग्स कैन नेवर बी जस्टिफाइड, प्लीज डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस। इन लोग के वजह से बहुत लोगों को, और इन लोग के वजह से छोड़ दो, आजकल बहुत लोग ऐसा खुद ही थिंकिंग रखते हैं कि एक साथ दो दो दस दस घुमाना बहुत कूल है। नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग, चीटिंग इज रॉन्ग। हमें कूल लग जाए कि भाई बहुत गर्लफ्रेंड्स बनाई, बहुत डेटिंग कर लिया हमने तो अपनी जिंदगी में। तुम किसी ऐसे को देखो जिसने सिर्फ एक इंसान में इन्वेस्ट किया हो और वही आगे चल के सक्सेसफुल बन रहा है, दोनों साथ खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो तुमको अंदर अंदर खुद ही बुरा लगेगा, तुम एक्सेप्ट करो। और दूसरी चीज, इन सब से हट के अच्छा बनो बे, अच्छा बनो, अच्छा करो, तुम्हारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे अच्छा बनने पे, पीछे खंजर ही खंजर होंगे, लोग फायदा उठा लेते हैं अच्छे लोगों का, आई नो, लेकिन वो कभी नहीं बुरा। जिन प्रॉब्लम से बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते निकलने का, उन प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे अगर आप अच्छे। और जो चीजें शायद आपको अभी लग रही है कि आपसे छिन रही है अच्छा होने, शायद आपके लिए है ही नहीं। गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स, यकीन मानो। ठीक है, समझिए। कुछ लोग कमेंट में ज्ञानी भी बनेंगे, ज्ञान देंगे, बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, गलत किया तुमने कुछ भी। भैया मैंने जो किया वो मेरी समझ है, जो तुम करो वो तुम्हारी समझ है। ये जो मेरी समझ तुम्हारी समझ वाला फॉर्मूला है ना, ये उस दिन और वहाँ लगाना जब तेरी दोनों बीवियों में से कोई एक दूसरा पति लेके घर आ जाए। गोलू के घर वाले आते हैं, थोड़ा सा झगड़ा होता है, गोलू को घर वाले बोले कि भाई तुझे ये चाहिए या मैं चाहिए, तो गोलू ने स्पष्ट बोल दिया भाई मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर वहाँ पे एक डायलॉग आता है कि तू 25 साल का रिश्ता 2 महीने में तोड़ रही है, तुझे शर्म नहीं है, ऐसी लड़की होने से अच्छा डूब जाए। तो ये क्या होता है ना, ये एक इमोशनल होता है, चीज़ों को ख़राब करना, समझाना इमोशनल होता है, चीजें खराब करना होता है, डायलॉग बाजी करना होता है, लेकिन इसका खराब करना अच्छा है। चुतिया दो प्यारे एक साथ सही है, दोनों बीवी भगाई हुई सही है, दोनों प्रेग्नेंट बहुत सही, दोनों को घर से अलग कर देना बहुत सही, तालियां होनी चाहिए। पायल और चीकू को 1 साल के लिए घर लेके चले गए, बहुत चीजों का हमने सामना किया नहीं, उसको ड्रामा कहते हैं। अब देखो गाइस, अभी होने जा रहा है एक्सपोज, इसके बाद शायद तुम लोग का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए इसको देखने के लिए। जिन लोग को लग रहा हो कि अरे भैया अरमान भैया तो बहुत अच्छे हैं, किसी को नहीं भगाया, प्यार हो गया दूसरा, तो क्या दोनों बीवियों को रखा है। मैंने बहुत देर सोचा, बहुत कैलकुलेट किया कि कितनी मुश्किल से इसने दोनों बीवियों को रखा होगा, और मेरे को समझ आया कि कुछ मुश्किल नहीं, इसको आ रहा है मजे, और खेलते हैं एक्सपोज। एक्सपोज ये टिकटॉक के टाइम की बात है, ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता है। टिकटॉक पे ये चला गया लाइव 10वीं मंजिल पे चढ़ के, और कहता है कि मैं यहाँ से, ठीक है मैं यहाँ से, समझ जाओ तुम। 2 शादियाँ की मैंने, पायल से पूछ के की थी, दूसरी शादी मैंने, देखो ये 3 साल पहले क्या बोल रहा है, पूछ के। इसने दूसरी शादी पायल से पूछ के करी, तो या तो ये तब झूठ बोल रहा था या तो अभी झूठ बोल रहा है। वो भी मरते वक्त अगर तब झूठ बोल रहा है तो भाई कहाँ है तू, मरते वक्त कौन झूठ बोलता है। अभी तो कहता है कि पायल को बिना बताए शादी कर ली थी, शादी करने के बाद पायल को बताया हमने। जो से गुनाहगार जिन्होंने केस किया मेरे ऊपर, नीरज, दोनों बहने पायल की, राहुल जिसे शादी किया पायल ने, देखा इस बीच पायल ने भी किसी और से शादी कर ली थी जिसका नाम था राहुल। कुछ सती संत नहीं हो रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने जानबूझ के पायल को एक वैसा बेचारी दिखाया है ताकि तुम लोग इसके व्लॉग्स हमेशा देखते रहो। और कृतिका और अरमान तो गलत करके भी आंखों में घमंड लेके, और कृतिका तो छपरियों को वैसे ही पसंद आती है। पायल ने भी किसी और से शादी कर ली थी और अभी ये लोग कुछ और ही स्टोरी बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लोगों को ये कहानी सच्ची में लग रही है। ड्रामा चाहिए ना, एकता कपूर के सीरियल्स रिपीट पे देख लेने का, ठीक है गोपी बाबू वगैरह, जिसमें वो सब अभी वाले ड्रामे नहीं, लेकिन ऐसी चीजों पे अटेंशन नहीं दिया करो। और दो भी तो इन्फ्लुएंसर, ये लोग कुछ और नहीं, ये मचा रहे हैं गंद, बहुत ज्यादा गंद। ये लोग पता है क्या काम कर रहे हैं, दुनिया की सबसे गंदी गाली खाने वाला काम। और मैं तुमको बता रही हूँ अंदर की कहानी इससे 10 गुना ज्यादा गंदी होगी जितना मैं और आप सोच सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा गंदी होगी। ये तीनों बस साथ है पैसे की गर्मी की वजह से, अगर पैसा नहीं होता ये तीनों साथ नहीं होता और इनको खुद ही खुद की हरकतें गलत लगती है। और ये गलत है बे, चीटिंग इज रॉन्ग एंड नॉट जस्ट दे आर चीटिंग ईच अदर एंड देमसेल्व्स बट द ऑडियंस टू। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनकी ऑडियंस तक पहुंचाएं जिनको या फिर जिनको भी लगता है कि ऐसा करना सही है, क्यूल है। लेट पीपल नो द ट्रुथ एंड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच काइंड। बाकी ये लोग खुद ही चाहते हैं कि इनकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि मैंने देखा जो भी मीम पेजेस ये चीज पोस्ट कर रहे थे वो इसके नाम का हैशटैग यूज कर रहे थे, जो कि कभी नहीं होता है। That only happens when we promote something। बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस पे देखा, न्यूज चैनल वाले पेजेस पे देखा कि इसके नाम का हैशटैग यूज किया। तो शेयर दिस वीडियो, मेक हिज विश कम ट्रू एंड यस आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। मेरे पुराने वीडियोस यहाँ कहीं आ रहे होंगे, उनको टैप करके जाके देख लो। और ये हमारे भोजपुरी शॉर्ट्स चैनल के सब्सक्राइब कर दी है लोग इन, लिंक हुई कमेंट सेक्शन में, हमारे इंस्टाग्राम के फॉलो कर सके लोग इन मन होता। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो आप सब अपना, गला थोड़ा खराब है मेरा, सॉरी।